ومولى الثقلين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية العاجلة على أعدائهم ومنكري فوائلهم وغاصبي حقوقهم ومخربي شريتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين صلوات پڑھے محمد وآل محمد پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ قرآن مجید میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی. میں سب سے پہلے آپ تمام مومنین و مومنات کی عبادات اور طاعات کی قبولیت کے لیے بارگاہ حق تعالی میں دعا گو ہوں. جیسا کہ آپ سب اس بات کو جانتے ہیں کہ ان دنوں جو موضوع اور جو ٹاپک ہے وہ دعائیں ہیں جو قرآن مجید میں وارد ہوئی ہیں. ان دعاؤں کی توضیح، ان دعاؤں کی تفسیر، ان دعاؤں کے معانی کسی حد تک ہم ان دنوں گفتگو کر لیں تاکہ جب وہ دعائیں ہماری نظروں کے سامنے سے گزریں تو ایک میسج اور ایک پیغام ہمارے ذہنوں، دل و دماغ کی جانب آ سکے. آپ جانتے ہیں کہ یہ مہینہ عظمتوں کا مہینہ ہے. ہم سب اللہ تعالیٰ کے مہمان قرار پائے ہیں اور یہ مہینہ ماہ دعا بھی ہے، جس طرح ربیع القرآن ہے، یعنی یہ مہینہ جس طرح قرآن کی بہار ہے، اسی طرح یہ مبارک مہینہ دعاؤں کا مہینہ بھی ہے. میرے دوستو اور عزیزو، کتنا اچھا ہے کہ ہم اس مبارک مہینے میں قرآنی دعاؤں کی وضاحت اور تفسیر کسی حد تک جان لیں. کل عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ قرآن ہم سے شکوا کرتا ہے، قرآن ہم سے شکایت کرتا ہے. کسی حد تک کوشش کریں کہ یہ شکایت اور اس شکوے کو ہم دور کریں. بہت سی دعائیں قرآن مجید میں وارد ہوئی ہیں، جیسے وہ دعا جو مشہور دعائیں ہیں، ربنا افرغ علینا صبرا، یا اسی طرح وہ دعا ربنا لا تزغ قلوبنا، یا اسی طرح یہ دعا جو آج موضوع سخن ہے، قالا ربنا ظلمنا انفسنا. یہ جو دعائیں ہیں ان کی جانب توجہ کیوں ضروری ہے؟ ان دعاؤں کی جانب توجہ اس وجہ سے ضروری ہے، ایک تو یہ کہ ہم ان دعاؤں سے آشنا ہو جائیں، ان دعاؤں کی نسبت ایک معرفت ہمارے دل میں آ جائے. دوم یہ کہ ان دعاؤں کو ہم اپنی زندگی میں اپلائی کریں. یہ بہت اہم چیز ہے کہ ہم ان دعاؤں کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں. اب آئیے، آج جو دعا آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے
और गुजारिश भी है कि कोशिश ये की जाए कि इन दुआओं को याद किया जाए और इन दुआओं को नमाज के कनूत में पढ़ा जाए। आइए सबसे पहली दुआ जो आपकी खिदमत में आज बयान करना है और जिसे उन्वान कलाम भी करार दिया है, वो दुआ हजरत आदम अला नबीना वालही वाले सलातो वस्सलाम से कुरान में मनकूल है। आप सब जानते हैं कि हजरत आदम किस मकाम व मर्तबे के फाइज थे कि जनाब आदम वो जात हैं जिन्हें परवरदिगार आलम ने तालीम दिया है, यानी हजरत आदम का इल्म मिन जानिबिल्लाह है, कुरान गवाही देता है। वअल्लमा आदमल अस्मा, आदम को तालीम अस्मा खुदावंदे मुताल ने दिया। बस आदम मुतअल्लिम खुदा हैं, यानी तालीम खुदा की जानिब से बहुत अजीम मर्तबा है। और उसके बाद जनाब आदम खलीफतुल्लाह हैं और फिर जनाब आदम का मकाम व मर्तबा इस कदर बुलंदबाला है कि परवरदिगार आलम ने मलाइका को हजरत आदम के सामने सजदा करने का हुक्म दिया। ये तमाम दास्तान आप हजरात कमोबीश जानते हैं। अर्ज ये करना है कि जो दुआ कुरान करीम इस मकाम पर नकल कर रहा है वो एक ऐसी जात से नकल कर रहा है जिसने तालीम खुदा से हासिल की, जो खलीफतुल्लाह है और मलाइका को जिसके सामने सजदा करने का हुक्म दिया। आप इस मंजर को भी जानते हैं, हम डिटेल में नहीं जाएंगे, कि जब जनाब आदम से तर्क औला का इर्तकाब हुआ, यानी वो अमल जिसे नहीं करना बेहतर था उसे आपने अंजाम दिया, इसी को कहते हैं तर्क औला। अंबिया मासूम होते हैं, उनसे खताएं सरजद नहीं होती, वो गुनाह नहीं करती, हमारा अकीदा है। लिहाजा जनाब आदम ने तर्क औला का इर्तकाब किया और उस दरख्त के पास गए जहाँ जाना उनके लिए ममनू था, अल्लाह ताला ने मना फरमाया था, दरख्त ममनुआ के करीब गए और उससे इस्तेफादा किया और उस बहिश्त से जो दुनियावी बागात में से एक बाग था वहां से आपको निकाला गया। और जब जनाब आदम व जनाब हव्वा आए हैं जमीन पर और अरफे के मैदान में पहुंचे हैं, उस वक्त ये दुआ नाजिल हुई और उस वक्त ये दुआ इन्होंने की। ये पस मंजर अर्ज किया कि किस कंडीशन में ये दुआ जनाब आदम और जनाब हव्वा ने किया। दुआ क्या है? पाला रब्बना जलमना अनफुसना, बहुत अजीम दुआ है। पाला रब्बना जलमना अनफुसना व इन लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ए मेरे अल्लाह, हमने अपने आप पर जुल्म किया है, अगर तूने हमारी मगफिरत नहीं की और हम पर रहम नहीं किया तो हम घाटा उठाने वालों में से होंगे। देखिए दुआ, पाला रब्बना जलमना अनफुसना व इन लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। दुआ का पैगाम तर्जुमा किया आपकी खिदमत में कि रब्बना जलमना अनफुसना, ए मेरे अल्लाह, हमने अपने आप पर जुल्म किया है। व इन लम तगफिर लना व तरहमना, अगर तूने हमारी मगफिरत नहीं की और हम पर रहम नहीं किया
لَنَكُونَنَّا مِنَ الْخَاسِرِينَ, तो फिर हम खासरीन और घाटा उठाने वालों में से होंगे। अब आइए वो पैगामात जिस पर इस बहस को शुरू किया गया। सबसे पहली चीज तो आप दुआ का जो तसव्वुर हमारे यहाँ है वो ये कि दुआ यानी कुछ जल्दी जल्दी मांग लेना, ये दुआ फकत ये नहीं है बल्कि खुद मग़फ़िरत इलाही भी सबसे बड़ी दुआ है। तो जो फरमा रहे यानी हम ये दुआ करें अल्लाह हमारी खताओं को माफ कर दे, हमने जो तेरे अहकाम पर अमल नहीं किया है उनकी मग़फ़िरत चाहते, ये दुआ, ये भी दुआ है। और इस दुआ में आप देखिए कोई डिमांड नहीं है जो हमारी नजरों में कि हमें ये दे दे ये दे दे ये दे दे, नहीं। सबसे अजीम चीज जनाब आदम व जनाब हव्वा बारगाह परवरदिगार आलम में जो तलब कर रहे हैं वो तलब मग़फ़िरत है। बस पहला पैगाम वाज़े और रोशन हो रहा है कि दुआ में एक अहम चीज मग़फ़िरत है जो अल्लाह ताला से तलब करना है, रहम परवरदिगार आलम को हमें तलब करना है। दूसरा पैगाम जो इस आयत का है वो बहुत अहम है मेरे दोस्तों और अजीजों, वो ये कि जब इंसान से कोई गलती हो जाए कोई खता सरजद हो जाए तो तौबा करे, जब इंसान से कोई गलती हो जाए कोई खता हो जाए तो तौबा करे, तौजीह ना करे। बहुत अहम पैगाम है इस दुआ का, दुआ करे तौबा करे तौजीह ना करे। तौबा और तौजीह क्या होती है, यानी एक्सेप्ट करे कि मैंने गलत किया है, उस पर पर्दा डालने की कोशिश ना करे। तौजीह इसी को कहते हैं, तौजीह यानी बहाना तराशना बहाना बनाना, तौजीह मत करिए। खता किया है एक्सेप्ट करो, अपने गुनाह पर कोई रंग चढ़ाने की कोशिश ना करो, गुनाह के उन्वान को बदलने की कोशिश ना करो। गीबत है तो गीबत है, रिश्वत है तो रिश्वत है, रिबा और सूद है तो रिबा और सूद है, अब उस पर कोई एक अलग सा आप रंग और चमकीली चीज मत लगाओ कि उसे छुपा दो, एक्सेप्ट करो कि ये खता मुझसे हुई है, तौजीह ना किया जाए। तो वजह फरमाइए रब्बना ज़लमना अन्फुसना, ऐ मेरे अल्लाह हमने अपने आप पर जुल्म किया, एक्सेप्ट कबूल करना, तौबे के मरहले में आना, तौजीह नहीं करना, तौजीह मत करिए गुनाहों की तौजीह। हमारे माशरे का हमारे समाज का एक दर्द जो है वो गुनाहों की तौजीह करना, उनका उनवान बदलना। पता चला रिबा ले रहे हैं उसका उनवान बदल दिया, पता चला रिश्वत ले रहे हैं उसका उनवान बदल दिया, हदिया कर दिया, गीबत कर रहे हैं उसका उनवान बदल, ये उनवान मत बदलो, एक्सेप्ट करिए कबूल करिए कि हाँ हमसे गुनाह हुआ है, हम तेरी बारगाह में मग़फ़िरत चाहते हैं। रब्बना ज़लमना अन्फुसना, हमने अपने आप पर जुल्म किया है। तो जो फरमाने तौजीह, अगर आप आइए और थोड़ा से मुतालिया तारीख का करिए तो सबसे पहले गुनाह की जिसने तौजीह किया वो शैतान है। शैतान ने गलती किया था, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तौजीह कर रहा है, रंग चढ़ा रहा है, पर्दा डाल रहा है, नहीं। शैतान से कहा सजदा करो तमाम मलाइका से, तो आपने नहीं किया तो आप एक्सेप्ट करो कि मुझसे गुनाह सरजद हुआ है। आप तरह तरह का बहानेबाजी कि नहीं अल्लाह तूने मुझे आग से खल्क किया है, आदम को मट्टी से खल्क किया है, ये तौजीह है गुनाह, ये बदतर, ये बुरी चीज है। गुनाह एक्सेप्ट कबूल, बारगाह हक ताला में कबूल, उसको बदलो मत, उसको रंग मत चढ़ाओ, झूठा रंग मत चढ़ाओ। आप हुक्म खुदा के खिलाफ जा रहे हो, आप कह रहे हो अब यहाँ पर आप दलील कायम करो, नहीं मैं आग से और वो मट्टी से,
ये मकाम तस्लीम था कि अल्लाह ताला ने तुमसे कहा फलां का सजदा करो, आपको सजदा करना है। आप यहां बहानेबाजी ना बनाओ। तो जो फरमाने जिस मरहले तक मैं आपको ले जाना चाह रहा हूं, गुनाह एक्सेप्ट कीजिए, गलती हुई खता हुई एक्सेप्ट करें बारगाह परवरदिगार आलम में। ये तौजीह गुनाह जो है ये बदतर है, ये इंसान से क्या छीनता है मालूम है, इंसान से तौबे की फुर्सत को छीन लेता है। जब मैं अपने गुनाह को क्या करूंगा, तौजीह करने लगूंगा, तो तौबे तक तो पहुंचूंगा ही नहीं। मैंने गीबत को एक अलग नाम दे दिया, मैंने सूद खोरी को एक अलग नाम दे दिया, मैंने इसी तरीके से और जो गुनाह किए उसको अलग अलग नाम दे दिए। वो गुनाह को गुनाह मैंने जाना ही नहीं, तो मैं तौबा क्यों करूंगा। लिहाजा पहला पैगाम जो बहुत अहम पैगाम है इस आए करीमा के जिम्न से, कि गुनाह को एक्सेप्ट करो, कबूल करो, कहो रब्बना ज़लमना अन्फुसना, ये वजह हुआ हमने अपने आप पर जुल्म किया है। अब तौजीह भी अलग अलग होती है, तो तौजीह का मतलब तो बात वाज हो गई, इतनी तफसील दिया कि तौजीह का लफ्ज जो है वाज हो गया। तौजीह वही बहानेबाजियां होती हैं। तौजीह फरमाने आप किसी को मार दो जानबूझ कर, कहो कि नहीं नहीं हाथ उठा रहा था लग गया, तौजीह फरमाने तौजीह ये अच्छी चीज नहीं है। तौजीह को अगर आप तकसीम करो ना, कभी तौजीह एतकादात में होती है, मेरा अकीदा सही नहीं मैं उसको तौजीह करूं, इसको कहते हैं तौजीह एतकादी। मतलब मैं किसी जुर्म का इर्तकाब करूं, कोई गलत काम करूं, और उसके बाद तौजीह क्या करूं, कहूं इसमें मेरी क्या गलती, खुदा ने ये चाहा था, खुदा की ये मर्जी थी, इसी को कहते हैं जबर ना। यानी आपने गलत काम किया, आप एक्सेप्ट करो कि आपने गलत काम किया, आप उसमें क्या करो, नहीं नहीं इसमें हमारी क्या गलती है, हमने क्या किया है, हमसे क्या मतलब है, खुदा की मर्जी थी, हो गया। या आप जबर के मरहले तक जा रहे हो, इसे कहते हैं तौजीह एतकादी। और इसकी भी मिसालें कुरान करीम में मौजूद है। जब इन कुफार से कहा गया ईमान लेकर आओ, तो इन्होंने क्या किया, इन्ना वजदना आबाना, हम क्यों ईमान लाए, हमने अपने माँ बाप को इसी पर पाया, लिहाजा हम भी इसी तरह काफिर रहेंगे। ये तौजीह एतकादी, ये चीज हमारे वजूद से निकले। हमारा वजीफा एतकाद में तहकीक करना है, तौजीह करना नहीं है। ये बहुत अहम मरहला है कि थोड़ा से चेक किया जाए, और हुआ भी है तारीख में। बस जो अइमा के शागिर्द थे वो अपने एतकादात व अकायद मासूमीन की खिदमत में पेश करते थे, कहते थे मौला मेरा ये अकीदा है क्या सही है, और अगर मौला कह देते थे सही है तो कबूल कर लेते थे। एक शख्स है जिनका नाम हमरान इब्ने आयुन है, हमरान इब्ने आयुन इमाम के बहुत खास असहाब में थे। इमाम ने इनके बारे में क्या फरमाया था मालूम है, इमाम ने इनसे कहा था आलामुद्दीन, मामूली लकब नहीं है, मासूम ने इन्हें आलामुद्दीन का लकब दिया था। एक मरतबा इमाम की बारगाह में हमरान इब्ने आयुन आते हैं और कहते हैं मेरे मौला मैंने खुदा से एक अहद कर रखा है कि जब तक इस सवाल का जवाब आपसे नहीं सुनूंगा मदीने से बाहर नहीं जाऊंगा, आका आप मेरे सवाल का जवाब दें। इमाम ने फरमाया कि तुम्हारा सवाल क्या है, सवाल देखिए अम मिन शियतकुम, मौला बस इतना बता दो क्या मैं आपके चाहने वालों में से हूं, अम मिन शियतकुम क्या मैं आपके शियों में से हूं। मौला ने फरमाया कि नाम दुनिया वल आखिरा, हाँ दुनिया में भी और आखिरत में। देखें तौजीह एतकादी नहीं, सीधे सीधे इमाम मासूम के हुजूर में अपने अकीदे को लेकर हाजिर हो जाना। बस एक चीज जो होती है तौजीह इक्तसादी है, ये मत करो, तौजीह एतकादी मत कीजिए। उसके बाद एक है तौजीह इक्तसादी, इक्तसादी यानी माली। मसलन माली तौजीह क्या है, अगर मैं सूद लेता हूं तो जो फरमा रहे सूद लेता हूं, सूद से कारोबार चलाता हूं, अब मैं यहां पर तौजीह करूं कि नहीं नहीं पूरी मार्केट में तो ये चल रहा है तो मैं क्यों ना लूं और इसमें क्या हरज है, मेरा ही तो माल है और इतने दिन रहा होता है इससे तो ये बेनिफिट होता,
ये फायदा होता इन्होंने ले लिया तो ऐसा ऐसा, ये वही तौजीह है मादी है। तो जो फरमा रहे ये जनाबे शुएब के जमाने में उनकी कौम में से आदत थी ना लोगों की, कम तौलते थे, यानी जब लोगों को सामान देते थे ना तो अपने यहाँ की जबान में कहा जाए काटा मारते थे। तो जो फरमा रहे यानी मसलन अगर किसी ने 1 किलो का सामान दिया है तो ये मसलन 900 ग्राम देते थे, इनको मना किया गया। तो तौजीह तौजीह कि हम क्या करें, हमारा खर्चा इसी से चलता है, ना करें तो भूखे मर जाएंगे, ये हो जाए, ये वही तौजीह है इक्तसादी है, ये भी नहीं करना, एक्सेप्ट करना। इसी तरह तौजीह है अखलाकी है, अखलाकी तौजीह, अगर मैं गीबत कर रहा हूं उसका उन्वान ना बदलू तो जो फरमा रहे हैं, इसी तरह मैं कोई और हराम काम कर रहा हूं उसका उन्वान ना बदलू। आज हमारे जमाने में मतलब नामहरम से राबता, मतलब लड़के लड़की एक साथ उठना बैठना रहना सामना, ये फिर उसके बाद उसको आकर कहते हैं कि नहीं नहीं हम क्या करें, मसलन एक तौजीह कर, हम भाई बहन है, हमने इनको भाई समझा है, इन्होंने हमको बहन समझा है, इस तरह की तौजीह है अखलाकी। या और आगे आइए तो कहते दिल पाक होना चाहिए, ये सबसे क्या होता है, ये वही तौजीह है अखलाकी है, ये बड़ा सख्त है। इसको अगर आप नाम दो ना तो इसको एक नाम दे सकते हो जहले मुकद्दस, क्या कहते हैं जहले मुकद्दस, और जहले मुकद्दस ने बड़ा नुकसान पहुंचाया। आप तारीख उठाकर देखो बहुत ज्यादा नुकसान जो पहुंचाया है वो जहले मुकद्दस ने पहुंचाया है। बस इस दुआ का पैगाम क्या हुआ, रब्बना ज़लमना अनफुसना, मेरे अल्लाह हमने अपने आप पर जुल्म किया है। जनाबे शोएब आप जानते हैं जब अपनी कौम से दूर गए, वो भी तरके औला था, ये काम न किया होता तो बेहतर था, गुनाह नहीं था, एक्सेप्ट किया। नहीं वो जुमला है ला इलाहा इल्ला अंत सुबहानका इन्नी कुंतु मिनवालमी, ये एक्सेप्ट करना, तौजीह नहीं करना, अपनी खताओं की तौजीह ना करो। ये पहला पैगाम इस आय करीमा से कि रब्बना ग़लमना अनफुसना। दूसरी चीज जो इस दुआ से हम लेते हैं और जिस पैगाम को हम समझते हैं वो ये कि गुनाह हुक्मे परवरदिगार आलम के खिलाफ जाना ये जुल्म है अपने आप पर। तो जो फरमा रहे यानी जब हम खता करते हैं, जब हम गुनाह करते हैं तो इस गुनाह की वजह से जाते हक ताला को तो कोई नुकसान नहीं होता। अल्लाह ताला मैं झूठ बोलूं तो अल्लाह ताला को कौन सा नुकसान होगा, मैं रिबा लूं तो अल्लाह ताला को कौन सा नुकसान होगा, मैं फिस्क व फुजूर में मुबतला हूं तो अल्लाह ताला को कौन सा नुकसान होगा। रब्बना ज़लमना अनफुसना, हम जब खुदा की ताअत से निकलते हैं तो सबसे पहला नुकसान जो करते हैं वो अपने आप का करते हैं। आप सूरह ज़ुमर की उस आयत में देखिए, बहुत अजीम आयत है, इंशाअल्लाह अगर कभी मौका रहा तो इस आयत के बारे में अर्ज करूंगा। जहाँ परवरदिगार आलम क्या कहते हैं, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसहिम, कह दीजिए मेरे उन बंदों से, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसहिम, जिन्होंने अपने साथ बुरा किया, अपने साथ बुरा किया। तो वो जो फरमाने बस गुनाह खुदा के साथ बुरा करना नहीं है, अपने साथ बुरा करना है। ये अगर बच्चों को समझाना हो तो एक आसान मिसाल ये है कि अगर एक स्कूल में एक बच्चा नहीं पढ़ता तो टीचर के साथ बुरा नहीं करता है, वो अपने साथ बुरा करता है। अगर मैं लेसन याद ना करूं, अगर अपना दर्स याद ना करूं, अगर अपना सबक ना याद करूं तो मैंने किसके साथ बुरा किया है, अपने साथ बुरा किया, उस टीचर का क्या नुकसान हो जाएगा। तो जो फरमाया बस दूसरा पैगाम जो अहम है वो ये कि गुनाह खुद अपने साथ बुरा करना है, यानी अपने साथ इंसान बुरा करता है, यानी जो अहकाम अल्लाह ताला की जानिब से हमारे लिए आते हैं
उन अहकाम पर अमल न करना अपने आप पर जुल्म करना है। तो जो फरमा रहे हैं बहुत अजीब मरहला है। कुरान से आपकी खिदमत में आयत पेश करूं, कुरान कहता है वमन यतअद्दा हुदूद अल्लाही फकद ज़लम नफ्सहु। वो हुदूद जो परवरदिगार आलम ने बनाई हैं उन हदों से तजावुज करना, उन हदों को पार करना दर हकीकत अपने आप पर जुल्म करना है। तो जो फरमा रहे चूंकि ये जो हद परवरदिगार आलम ने बनाई है, ये करो ये ना करो, ऐसा कहो ऐसा ना कहो, ये देखो वो ना देखो, ये सुनो वो ना सुनो, ये जो हद परवरदिगार आलम ने बनाई है, इन हुदूद का फायदा हक ताला को नहीं है। ये हदें मेरे वजूद के लिए जरूरी हैं। तो जो फरमा रहे मेरे नफे में है, मेरी सआदत और खुशबख्ती इस हद में रहना है और मेरी बदबख्ती इस हद को पार करना है। अब अगर मैं इन हद को पार करता हूं तो मैं अपने आप को नुकसान पहुंचाता हूं, मैं दुनिया की जूद गुजर लज्जत, वो जो आई और आकर चली गई, बाद लज्जत थोड़ी देर के लिए आई उसके बाद गुजर गई, इन लज्जतों ने दर हकीकत जो नुकसान पहुंचाया है वो मेरे ऊपर मुझ पर नुकसान पहुंचाया, मुझे इसका सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। मैं सुबह की नमाज में उठता थोड़ी देर के सोने की जो लज्जत है, इस लज्जत का नुकसान मुझे है। शराब की वो थोड़ी सी जो लज्जत है, जो वहमी लज्जत है, उसका नुकसान मुझे। बस गुनाह दर हकीकत जुल्म है अपने आप पर। क्या है? जुल्म है अपने आप पर। हदीस है, मौलाए कायनात फरमाते हैं ज़लम नफ्सहु मन असल्ला व अता अश्शैतान। उस इंसान ने अपने आप पर जुल्म किया है जिसने खुदा की मासियत की और शैतान की अतायत की। बस झूठ बोलने का जो सबसे बड़ा नुकसान हो किसके लिए? मुझ पर है। गईबत का जो सबसे बड़ा नुकसान हो मुझ पर है। नमाज छोड़ने का जो सबसे बड़ा नुकसान हो मुझ पर है। सच ना बोलने का जो सबसे बड़ा नुकसान हो मुझ पर है। मौला फरमाते ग़ालम नफ्सहु, उसने अपने आप पर जुल्म किया है। मन असवा, जिसने मासियत खुदा किया, वह अता शैतान और शैतान की इताअत किया। यह एक दूसरे मकाम पर इमाम फरमाते हैं मन अहमल अमला बिताअतिल्लाह ज़लमा नफ्सहु, वो जिसने इताअत खुदावंदी में सुस्ती दिखाई, नहीं किया। रोज़े माह मुबारक रमज़ान अल्लाह ताला ने उस पर वाजिब किया था, उसने रोज़ा नहीं रखा, तो खूब किसके ऊपर जुल्म किया, किसका घाटा किया? अपने आप का घाटा किया। मन अहमल अल-अमल बिताअतिल्लाह, ताअत खुदा में अगर कोई सुस्ती दिखाता है ज़लम नफ्सहु, वह अपने आप पर क्या करता है? जुल्म करता है। तवज्जो फरमा रहे हैं पर जुल्म बे नफ्स है, गुनाह यानी ज़ुल्म बेनफ़। रब्बना ज़लमना अन्फुसना, हमने अपना घाटा किया है, अपने आप पर जुल्म किया है। अतः एक जगह पर मिलता है कि एक शख्स ने किसी सहाबी रसूल को एक लेटर लिखा, खत लिखा, और उस खत में पूछा उसने कि कोई वाज कोई नसीहत आप हमें फरमा दीजिए। तो इन्होंने खत के जवाब में क्या लिखा मालूम है? कहा जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हो उस पर जुल्म ना करो। इस शख्स को बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये कैसे मुमकिन है कि मैं जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करूं उस पर मैं जुल्म करूंगा, ये इन्होंने कौन सी वाज़ो नसीहत कर दी। लेटर लिखा कि आपने क्या लिखा, मैंने आपसे कहा तो वाज़ करने को नसीहत करने को, आपने कहा जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हो उस पर जुल्म ना करो, इसका मतलब क्या है? इन्होंने कहा सबसे ज्यादा तुम अपने आप से मोहब्बत करते हो, अपने आप पर जुल्म
ना करो, क्योंकि जब तुम अपने आप पर गुनाह करते हो तो दरहकीकत तुम अपने आप पर क्या करते हो, जुल्म करते हो। तो वो जो फरमा रहे हैं, बस हमारा गुनाह करना जुल्म है अपने आप पर, ये दूसरा है। उसके बाद का मरहला क्या है, रब्बना ज़लमना अनफुसना, हमने अपने आप पर जुल्म किया है। وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ। اب مقام توبہ ہے، مغفرت طلب کرنا ہے، توبہ، ظلم کیا ہے، ایکسپٹ کیا میں نے کہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، میں نے گناہ کیا، توجیہ نہیں کرتا، ایکسپٹ کرتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ خب اس کے بعد کا مرحلہ کیا ہے، اس کے بعد کا مرحلہ توبہ ہے۔ میں ان تمام چیزوں سے بہت جلدی گزر رہا ہوں چونکہ کوشش یہ ہوگی کہ ہر دن ایک آیت آپ کی خدمت میں بیان ہو جائے۔ توبہ کیا ہے، توبہ کا معنی ہمارے یہاں تھوڑا سے کنسپٹ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ توبہ لفظ ہے، توبہ لفظ نہیں ہے، توبہ حقیقت ہے، توبہ ایک حقیقت کا نام ہے، توبہ ایک لفظ کا نام نہیں ہے۔ توبہ کا معنی یہ نہیں کہ ایک مرتبہ بیٹھ کر آپ استغفر اللہ کہہ دو توبہ ہو جائے گی، نہیں، توبہ کے اپنے طریقے ہیں، روایت میں ہے۔ ایک مقام پر ایک حدیث ہے، کافی طویل حدیث ہے، میں فقط جلدی سے آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں اور ترجمہ کرتا ہوں تاکہ توبہ کا معنی بھی سمجھ میں آ جائے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مقام پر ارشاد فرمایا، چونکہ ہمارے یہاں توبہ کا معنی کیا ہوتا ہے، مصلی بچھایا، استغفر اللہ 100-200 مرتبہ کر دیا، سوچا کہ توبہ ہو گیا، نہیں۔ پیغمبر کی اس حدیث کو دیکھیے، پیغمبر نے یہاں پر تقریباً 10 چیزیں بیان کی ہیں اور اس کے بعد فوراً کا فلیس بتائب یہ حدیث میں فقط ترجمہ کروں گا، توضیح نہیں کروں گا چونکہ وقت نہیں ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں اتدرون من التائب، پیغمبر نے اپنے اصحاب سے کہا کیا تم جانتے ہو کہ تائب کون ہے، توبہ کرنے والا کون ہے؟ قالوا اللهم لا، انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، ہم تو نہیں جانتے کہ تائب اور توبہ کرنے والا کسے کہتے ہیں، آپ بیان فرمائیے۔ اس وقت پیغمبر نے فرمایا قال اذا تاب العبد ولم يرض الخصم فليس بتائب۔ اب توبہ کا معنی سمجھو، جب انسان یعنی بندہ توبہ کرے اور جن کے حقوق اس کی گردن پہ ان کو راضی نہ کرے تو یہ حقیقت میں توبہ کرنے والا نہیں، یہ وہی ہے۔ مثلا میری گردن پہ حق ہے لوگوں کا، تو جو فرما لیں میں سمجھ رہا ہوں 100 مرتبہ استغفر اللہ کہہ دینے سے توبہ ہو جائے گی، پیغمبر فرماتے ہیں اذا تاب العبد ولم يرض الخصم فليس بتائب، تائب اسے کہتے ہیں جو استغفر اللہ کہنے کے بعد آئے جو حق اس کی گردن پہ اسے ادا بھی کرے۔ میں نے کسی کا دل دکھایا ہے تو ہم محراب عبادت میں بیٹھ کر میں استغفر اللہ کہہ دوں توبہ ہو جائے گا، میرے اوپر کسی کا مال ہے میں خوب مصلی بچھا کر استغفر اللہ کہہ دوں توبہ ہو جائے گا، نہیں، توبہ یہ نہیں ہے، تم اس کے حق کو ادا کرو، یعنی جو تمہارا خصم ہے، جو تمہارا دشمن ہے، جس سے تم نے دشمنی کی ہے، جس کا حق تمہاری گردن پہ ہے، اس حق کو ادا کرو، یہ توبہ ہے۔ پھر پیغمبر فرماتے ہیں ومن تاب ولم یزد فی العبادہ فلیس بتائب، وہ انسان جو توبہ کرے لیکن اس کی عبادتیں زیادہ نہ ہوں تو حقیقت میں تائب نہیں ہے، چونکہ تائب کی عبادتیں زیادہ ہونا چاہیے، جو مجھے لگا کہ میں نے خطا کیا ہے اب بارگاہ خدا میں زیادہ دکھائی دوں، نہیں کہ ایک مرتبہ توبہ کر کے نکل لوں تو پھر رمضان کے بعد اگلے رمضان میں ملاقات ہو، ایسا نہیں ہو۔ من تاب ولم یزد فی العبادہ فلیس بتائب، بہت طولانی روایت ہے۔ اسی طرح پیغمبر فرماتے ہیں من تاب ولم یغیر لباسہ فلیس بتائب، اور پھر فرماتے ہیں ومن تاب ولم یغیر رفقاءہ فلیس بتائب، وہ جو توبہ کرے اور اپنے دوستوں کو چینج نہ کرے وہ بھی توبہ کرنے والوں میں سے نہیں۔ جن دوستوں کے ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا تھا، خوب جہاں سے میں نے گناہ سیکھے، گناہ کرنے، پھر اس کے بعد میں انہیں چینج نہ کروں، تبدیل نہ کروں، تو میں حقیقت میں تائب نہیں ہوں۔ اسی طرح پیغمبر فرماتے ہیں ومن تاب ولم یغیر مجلسہ فلیس بتائب، وہ انسان جو توبہ کرے لیکن
जहां उठना बैठना था उसको चेंज ना करे, फिर भी वहीं पर चौराहे पे मैं दिखाई देता हूँ, तो मैं तौबा करने वालों में से नहीं हूं। इसी तरह पैगंबर फरमाते हैं, वमन ताबा वलम युगयिर खुल्कहू वनियतहू वनियतहू फलैस बितायब। वह इंसान जो तौबा करे और अपना अखलाक चेंज ना करे, अपनी नीयत चेंज ना करे, तो वह हकीकत में तौबा करने वालों में से नहीं है। इसी तरह फरमाते हैं, वमन ताबा वलम यफ्ताह कल्बहू वलम युवस्सा कफ्फहू फलैस बितायब। वो इंसान जो तौबा करे लेकिन उसका दिल बड़ा ना हो, सियासत ना आए, इन्फाक व सखावत ना आए, तो हकीकत में वो तौबा करने वालों में से नहीं है। इसी तरह पैगंबर फरमाते हैं, वमन ताबा वलम युकस्सिर अमलहू वलम यहफिज लिसानहू फलैस बितायब। वो जो तौबा करे लेकिन उसकी आरजू कम ना हो, तमन्नाएं कम ना हो, वो जो जबान उसकी अभी भी काबू में नहीं आए, वो तौबा करने वालों में से नहीं है। इसी तरह फरमाते हैं, वमन ताबा वलम युकद्दम फजल कुव्वतिही मिन बदनिही फलैस बितायब। वो जो तौबा करे लेकिन ग़िज़ा में खाने में कमी ना हो, तो फिर वो सही मानों में तायब नहीं है। पैगंबर फरमाते हैं, वइज़स्तकामा अला हाज़िहिल ख़िसाल फज़ाकत तायब। तौबा यानी ये इन तमाम चीजों पे अमल करना, खुसमा को राजी करना, अपने हुकूक जिनकी हमारी गर्दनों पर उनको राजी करना, अपने उठने बैठने की जगह को देखना कि जहां से मैं इन गुनाहों के करीब गया था उसे दूर करूं, उन जगहों को छोड़ूं, इसी तरह उन दोस्तों को छोड़ूं, इसी तरीके से अपनी जबान को काबू में करूं, अपनी आरज़ुओं को काबू, ये तमाम चीजें मिलती हैं तो सही मानों में तौबा वजूद में आती। बस रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। देखें ये दुआ हम कुनूत में भी पढ़ सकते हैं। इन तमाम बातों को जहन में रख कर तवज्जो फरमा लें। अगर मैं लौटता नहीं, मतलब तौबा करूँ और फिर उसके बाद वो ये अमल अंजाम दूँ, तो फिर सही मानों में मैंने तौबा नहीं किया। हत्ता एक मकाम पर इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना मजाक खुद उड़ाते हैं। देखिए हमारा मजाक अगर कोई दूसरा उड़ाए ना, हमें बहुत गुस्सा आता है कि हमारा मजाक उड़ा रहे हो और हम अपना मजाक उड़ाते हैं। इमाम फरमाते हैं, कैसे तुम अपना मजाक उड़ाते हो? मालूम है, मन अस्तग़फ़र अल्लाह बिलिसान ही वलम यंदम बिकल्ब ही फ़क़द इस्तहज़ा बिनफ़्से। जो जबान से अस्तग़फ़िरुल्लाह कहे लेकिन दिल में नदामत ना आए, वो अपना मजाक उड़ाने वालों में से। तुम अपना ही मजाक उड़ा रहे, यानी जबान से अस्तग़फ़िरुल्लाह है और दिल में नदामत नहीं है। ये इंसान दर हकीकत में अपना मजाक उड़ाने वाला। मैं तौबे की एक मिसाल दूं आपको, आप सबको वो दास्तान और वो वक्त याद है। तौबा यानी तौबे हजरत हुर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एक लम्हे में अपने माजी पे नदामत, आइंदा न जाने का मुसम्मम इरादा, और फिर उसके बाद जुबरान। हजरत हुर निकले तो फिर उस लश्कर उमर साद की जानिब पलट कर नहीं देखा और बारगाह हुसैन में आए और अब अपने इस किए का जुबरान करना चाहते हैं। तब को अभी इंशाल्लाह बात बहुत जल्दी जल्दी वक्त खत्म हो गया। मैं आपको अर्ज करूँ, तीन रुकन मान लो तौबे के, और तीनों रुकन को आप जनाब हुर की जात में देख सकते हो। तीन रुकन, एक ये कि मैंने जो काम किया है उस पर निदामत हो, आइंदा इस काम की जानिब नहीं जाऊंगा, इसका एक मुसम्मम इरादा है। तीसरा काम जो तौबे में नहीं बयान किया जाता या हमारे यहाँ कम बयान किया जाता है, वो जुबरान है। जुबरान किसे कहते हैं आप? जुबरान का मतलब समझते हैं? मतलब मैं मिसाल दूं ताकि, जुबरान का मतलब तो अल्लाह का नाम जाबिर है ना, जुबरान करने वाला। हाँ, जुबरान जाबिर यानी जुबरान करने वाला, यानी क्या? मसलन तवज्जो फरमाइएगा, ये मिसाल दूं ताकि बहुत करीब से आप जुबरान का माना समझ सको।
जैसे आपने कोई गलती किया, किसी को आपको मसलन जो है पानी देना था, आप नहीं दे पाए, खूब थोड़ी देर बाद आपको ख्याल आता है तो आप क्या करो, पानी दोगे, तो ये तो एक चीज हुई। आप पानी के साथ चाय लाते हो ताकि वो जुबरान कर सको, वो जो आप अमल आपसे खता हो गई थी जिसकी वजह से ये मुश्किल आ गई, तो उस मुश्किल को दूर भी करना, ये है तौबा। ऐसा नहीं कि हो गया खूब, अब मैंने तौबा कर ली, अब क्या करूं, जान दे दूं, बाग लोगों को जान दे दें, अब हम नहीं, जान दे दीजिए आप, अब जुबरान करिए इस अमल का, मेरी वजह से अगर फसाद हुआ है माशरे में तो मेरा तौबा कर लेना काफी नहीं है, मैं ऐसा करूं कि फसाद खत्म हो, यानी मेरी वजह से अगर फसाद हुआ है तो मैं खुद कोई काम करूं कि फसाद खत्म हो, इसी को जुबरान कहते। मेरी वजह से समाज में, मस्जिदों में, इमाम बारगाहों में आपस में इख्तलाफ हुआ है तो मैंने जाके तौबा कर लिया, ये हक है, नहीं नहीं जुबरान करो, ऐसा करो कि फिर इत्तेहाद हो जाए, इसी को कहते जुबरान। और कुरान करीम में अगर आप देखें, इस जानिब इशारा है, मैं अपनी जानिब से नहीं कह रहा हूं, कुरान जब तौबे की बात करता है तो क्या कहता है, इल्लज़ीना ताबू वा असलहू, ये वा असलहू यही जुबरान है, तौबा करते हैं और इस्लाह करते हैं, यानी जो खराब कारियां, जो मैंने खराब काम किए हैं खूब उसकी इस्लाह भी करूं, ये तौबा है। ये तो नहीं मैं कहीं को गुजर जाऊं कि खूब हो गया मुझसे, मैं क्या करूं, नहीं, वसलहू इस्लाह करो। हमारे यहाँ शायद तौबे के मरहले में आने के बाद वसलहू को बयान नहीं किया जाता, इस्लाह भी करना है, मैंने अगर खराब कारियां की हैं तो उसकी इस्लाह भी तौबे में आती, बस तौबा यानी इजहार निदामत माजी पर, आइंदा न करना, और इस्लाह उस अमल को जो खराब किया है। बहर कैफी आए करीमा जो आपके हुजूर में बयान की गई, जनाब आदम व जनाब हव्वा की जबान से नकल हुई है कि इन हज़रात ने बारगाह परवरदिगार आलम में कहा, काला रब्बना ज़लमना अन्फुसना, ये मेरे अल्लाह हमने अपने आप पर जुल्म किया है, وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا, अगर तूने माफ नहीं किया और अगर तूने रहम नहीं किया, लनकूनन्ना मिन अल-खासिरीन। बेहतरीन मौका है माह मुबारक रमजान का, हम खुदा के मेहमान हैं, खुदा के हुजूर में हैं, खुदा ने हमें बुलाया है, हम सब आए कहें ज़लम तो नफसी, जो दुआए कुमेल का जुमला है कि हमने अपने आप पर जुल्म किया है, इन लम तग़फिर लना वतरहमना लनकूनन्ना मिन अल-खासिरीन, मेरे अल्लाह अगर तूने हमें माफ नहीं किया और अगर तूने हमारी मग़फ़िरत नहीं की तो हम सब घाटा उठाने वालों में से हो जाएंगे। वसल्लु अला मुहम्मद व आली मुहम्मद व अज्जिल फ़रज। एक आये करीमा जो आज आई है वो सूरह कलम की आयत नंबर 51 और 52 है। सूरह कलम आयत नंबर 51 और 52, आयत करीमा की तिलावत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वइन यकादुल्लज़ीन कफरू लयुज़ल्लिकूनका बिअब्सारिहिम लम्मा समिउ الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ। फिर उसके बाद आयत नंबर 52, वमा हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। यह करीमा सूरह कलम की आखिरी दो आयात हैं, यानी सूरह कलम की आखिरी दो आयात ये हैं। ये कुफार कुरान को सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि अनकरीब आपको नजरों से फिसला देंगे, और ये कहते हैं कि ये तो दीवाने हैं। यह आयत नंबर 51 का तर्जुमा, 52 का तर्जुमा, हालांकि ये कुरान आलमीन के लिए नसीहत है और बस। इस आयत करीमा का शान नुज़ूल जो बाज़ों ने नकल किया है, ये आयत करीमा मालूम है, ये हमारे यहाँ कहते हैं नजर लगना, चश्म जख्म चश्म, नजर लगती है ना, नजर लगने के सिलसिले में यह आयत करीमा है। बाज़ मुफस्सरीन के मुताबिक नजर लगना तो सबको मालूम है, हमारे यहाँ माशरे में जो है नजर लगना
एक ऐसी हकीकत है जिसको सब एक्सेप्ट और कबूल करते, नजर लगना। इस आये करीमा के शान नजूल के बारे में जो बाज़ मुफस्सरीन ने कहा कि बाज़ कुफार ये चाहते थे कि पैगंबर अकरम को नजरे बद से नुकसान पहुंचाए, हर हरबा पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इन्होंने आजमाया कि किसी भी तरीके से पैगंबर को नुकसान पहुंचाया जाए, पैगंबर को अजियत पहुंचाया जाए। एक और हरबा इनके पास था जिसका नाम था चश्मे जख्म, यानी नजरे बद, पैगंबर को नजराना, नजर लगा देना पैगंबर को। लिहाजा इस इरादे से इन्होंने कुरैश के कुछ लोगों को जमा किया और कहा कि तुम पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखो और तारीफ करो। इनको लगता था कि इससे जो है पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाबूद, बर्बाद, अल अयाज़ु बिल्लाह हो जाएंगे और खत्म हो जाएंगे। ये शान नुज़ूल बाज़ों ने जिक्र किया। यहाँ पर जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है लियुज़िल्लकून का, ये जो रूट वर्ड है वो ज़लक है, ज़लक के मादे से है, नाबूदी के माने में गालिबन इस्तेमाल किया जाता है। बात अगर आप चश्मे जख्म की करें यानी वही नजरे बद की करें तो बाज़ रवायात से इजमालन साबित है कि एक हकीकत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाज़ रवायात से यह साबित है पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस मनकूल है कि पैगंबर फरमाते इन्नल ऐन हक्कुन व अन्नहा तुदखिलु अल जमला व सौरा तनूर, ये जो नजर बद होती है ये एक हकीकत है और इसकी तासीर इतनी ज्यादा है कि ऊंट या गाय को भी ये तनूर तक पहुंचा दे, यानी खतरा है। तो वजह फरमाए चश्मे जख्म एक खतरा है, इस रवायत से ये साबित होता है। इसका इलाज भी दीन में बयान किया गया, मतलब सदका देना, दुआएं पढ़ना, सूरह नास, सूरह फलक, ये सब वो चीजें हैं जो नजर बद से हमें क्या करती हैं, बचाती हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पर और वाजे कर दें कि नजर बद को बहाना बनाकर दूसरों की नस्बत सुए जन ना पैदा करें। फिर हमारे यहाँ होता है वो फला साहब आए तो उन्होंने नजर आया होगा तो हम बीमार पड़े, ये अच्छी चीज नहीं, ये खुराफात है। तो जो फरमें ये सुए जन जो हमारे माशरे में बहुत ज्यादा है इसकी इस्लाम हरगिज़ इजाजत नहीं देता। इलाज है बताया है, लेकिन आप ये कहते फलां साहब आए थे तो हमारा घर गिर गया, हमारे बच्चा बीमार हो गया, ये हो गया, वो उन्होंने नजर आया होगा, तो ये सुए जन न करें। अपनी गलतियों का तो जो फरमा रहे हैं अपनी गलतियों को दूसरों के सरों पर न डालें। हमारी कुताहियां हुई हैं, हमने गलतियां किया है, अब अपनी गलतियों का सेहरा जो है वो ठीकड़ा जो है दूसरे के सर पर नहीं फोड़ना। ये मैं अर्ज करूंगी बहुत जल्दी जल्दी इस आयत के बारे में कुछ बातें जो आपके जहन में हो जाए। हत्ता बाज़ मुफस्सरीन ने इस आयत करीमा के सिलसिले में तीन एहतमाल दिए। बाज़ नहीं मानते कि ये चश्मे जख्म है, बाज़ कहते हैं कि ये लोग ये चाहते थे कि पैगंबर को गजब आलूद निगाहों से देखें। कभी कभी मैं मिसाल दूं तो शायद आपको वाज़ हो जाए। तो ये है कि बाज़ों ने कहा वही नजर बद से पैगंबर को नाबूद करना चाहते थे। बाज़ ये कहते हैं कि नहीं, ये लोग जब पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ते थे तो ये लोग ये चाहते थे, यानी इतना गजब और गैज की निगाह से देखते थे कि गोया पैगंबर को अपनी निगाहों से खा जाएंगे। हमारे यहाँ नहीं कहते क्या ऐसा देख रहे हो कि हमको आंखों से खा जाओगे, निगाहों से खा जाओगे। बस कहते हैं इस जानिब इशारा। एक तफसीर बहुत अहम है, वो तीसरी जो आपकी खिदमत में अर्ज करूं, वो ये कि शायद कुरान ने इस चीज को जो नकल किया है ये कुफार की दो मुतजाद बातों को बताने के लिए जिक्र किया है, यानी दो रवैया, यानी दिन और रात। एक वक्त में दिन और रात तो नहीं होता, दिन है तो रात नहीं, रात है तो दिन नहीं। कुरान इन कुफारों की बेवकूफ़ी को भी बता रहे कि कुफार कितने अजीब लोग हैं। एक तरफ से पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मजनून कहते हैं, इसी आय करीमा के आखिर में अगर आप देखें इन्नहु लमजनून, एक तरफ से पैगंबर को क्या कहते हैं, मजनून कहते हैं,
और दूसरी तरफ से पैगंबर की जबान से जब आयात कुरानिया को सुनते हैं तो इस कदर जज्ब होते हैं कि ऐसा लगता है कि नजर लग जाएगी। बस ये दो चीजें आपस में जमा नहीं होती, आप मजनून भी कह रहे हो उसी तरफ से इस मरहले तक जज्ब हो रहे। बस ये मरहला इस आय करीमा का है। उसके बाद जो आय करीमा है कल इस पर अच्छी खासी गुफ्तगु हो चुकी, हालांकि आयत नहीं थी लेकिन पूरी गुफ्तगु कल की हमारी कुरान के हवाले से थी। वमा हुआ इल्ला ज़िक्रुन लिल आलमीन, ये कुरान क्या है? ये कुरान आलमीन के लिए जिक्र है, याद दहानी है। यानी क्या? यानी हम इंसान जो गफलतों का शिकार होते हैं, गफलत हमारे दिल पर बैठ जाती है, गफलत के गर्द गुबार, और फिर उसके बाद हमें अपना मकसद नजर नहीं आता, हमें अपनी मंजिल नजर नहीं आती, हमें अपना टारगेट नजर नहीं आता, तो ये कुरान उस धूल को साफ करता है, तुम्हें तुम्हारा मकसद बताता है, तुम्हें याद दिलाता है। जैसे एक आदमी भूल गया हो ना कि फला आदमी को फला जगह जाना है, तो एक आदमी आकर याद दिला दे, अरे आप यहाँ हो अभी तक, आपको यहाँ जाना था, आपका तो शुक्रिया आपने हमको याद दिलाया, तो बड़ा नुकसान हो जाता। कुरान भी याद दहानी कराता है इंसान को, इंसानों तुम्हारा मकसद क्या है, तुम्हारी मंजिल क्या है, तुम दुनिया में क्यों आए हो, तुम्हें दुनिया से कूच कर जाना है, तुम्हें कालम आखरत की जानिब जाना है, जहाँ के लिए ज़ाद राह जमा करना है, लिहाजा गफलत का शिकार न रहो। बस कुरान को कहा गया वमा हुआ इल्ला ज़िक्रुन लिल आलमीन, यह आलमीन के लिए जिक्र का काम करता है, मुतवज्जह कराने का काम करता है। लिहाजा कल आपकी खिदमत में अर्ज किया कि जब हम कुरान पढ़ें तो कुरान में फिक्र करें, गौर करें, क्योंकि कुरान हमारे लिए याद दहानी का काम कराता है और हमें हमारे मकसद और हमारी मंजिल की जानिब मुतवज्जे कराता है। वसल्लु अला मुहम्मद व आली मुहम्मद। कोई सवाल है लेक्चर को लेकर? अस्सलाम वालेकुम। एक तो सवाल आया यहाँ पे, आपने ये अखलाकी तौजीह की बात की थी अभी, जी जी, तो इसमें आपने नामहरम के बारे में बताया था, नामहरम से इंटरेक्शन कैसे होना चाहिए, तो नामहरम के साथ इंटरेक्शन कैसे होना चाहिए, एक्चुअली कैसे होना चाहिए? वही जो हुदूद शरीयत ने बताया है वो ही है। एक एग्जांपल दे सकते हैं आप? यानी नामहरम के साथ देखिए, जैसे बात करने के लिए जरूरी बातें, हाँ, तो जो फरमा रहे हैं, या जो है उसकी जानिब जो है निगाह ना करना, या वो जो जो आज माशरे में आप देखिए कैसे बनाया जा रहा है, इस चीज को आम बताया जा रहा है कि नहीं, क्या फर्क पड़ता है कि अगर दो लड़के लड़की आपस में दोस्त हैं तो बराबर। तो जो फरमा रहे हैं इन चीजों को अतन वो हदूद जो शरीयत ने बताई है उन हदूद से हमको बाहर नहीं जाना। बहुत आम चला है ना हाथ मिलाना, बेजा की बातें करना, या लड़कियों का जो है लड़कों से अच्छे से और खुश अखलाकी से बात करना, या बहुत देर तक बेजा की बातें करना, या लड़कों का ये वो चीजें हत्ता बाज मकामात पर है कि नामहरम सलाम की भी इब्तदा ना करे, मतलब उन लोगों को स्ट्रिक्ट होके बात करना चाहिए कि नरम लहजे में बात करें, कोई आपके अंदर वो लचक न दिखाई दे कि जिसकी वजह से वो फर्द नामहरम आपकी जानिब झुकाव पैदा करे। अच्छा, अगर तो इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि जो इस्लामिक चैनल आते हैं जी जी, उस पे लड़कियां इंटरव्यू लेती है, तो वो लोग जो मेकअप वगैरह लगा के आती है, फिर उसमें कभी क्वेश्चन पूछने के टाइम थोड़ा मुस्कुराहट या जो भी आता है, तो क्या ये अखलाकी तौजीह के अगेंस्ट में नहीं? इसमें अखलाकी तौजीह तो नहीं है, क्योंकि ये एक जरूरत का मरहला है जिसको हल किया जाता है जरूरी चीजों में से, कि आप एक पैगाम पकाओ, वो ऐसा माहौल क्रिएट नहीं होता कि वो मैलान पैदा हो, मतलब वहां पे लोग लिमिट रख के चलते हैं आगे, या वहां लिमिट रख के चली जाती है, और लिमिट अगर कहीं पर भी बाहर हो तो वो जायज नहीं है। तो ये अगर जरूरी है कि औरतों को ही इंटरव्यू लेना चाहिए या
जेंट्स भी इंटरव्यू ले सकते हैं, हो सके कोशिश करना। हर कोई ले सकता है, क्योंकि कभी कभार टीवी वालों के मुखातब चूंकि औरतें और मर्द दोनों होते हैं, तो शायद इस उनवान से वो दोनों मुखातबीन को नजर में रखते हैं, इस वजह से। शायद कोई एक और सवाल आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम आगा, नजरे बद पे सवाल था आगा। पहले तो ये था आगा, ये जो आयत है, इस आयत में आगा कैटेगोरिकली ये कहा जा रहा है कि ये जो काफिर है ये अपनी निगाहों से कुछ करेंगे। अभी कुछ करेंगे आगा इस पे हम डिबेट कर सकते हैं, लेकिन निगाहों का कुछ काम है यहाँ पे। यहाँ तक चाहिए ना, यहाँ तक हम दोनों साथ हैं जी। अब इस आयत को देखते हैं आगा, तो आप अपनी निगाहों से कुछ एक खास काम करेंगे जब ये कुरान सुने। आयत कैटेगोरिकली ये बात बोल रही, ये नहीं बोल रही आगा कि ये तुम आज और नजबत कर एक प्लान बना करके कर लो, ऐसा कहीं पर भी नहीं है। ये आयत जो कह रही है वो ये कह रही है कि देखो ये जो काफिर है ये आके अपनी निगाहों से कुछ करने वाले। अब उस कुछ में हम डिबेट करते हैं थोड़ी देर में, लेकिन ये कुछ करने वाले हैं, और ये कुछ जो करेंगे तब करेंगे जब तुम रिसर्च करोगे कुरान। जब रसूल खुदा कुरान पढ़ते हैं तब ये अपनी निगाहों से कुछ काम करने की कोशिश करेंगे। अब अगर हम इसको नजरे बद फिट करते हैं कि हम चाहते हैं, हम कहते हैं कि चलो ठीक है ये जो कुछ करना है ये नजरे बद है, तो ये कितने मुखलिस काफिर आएगा कि कुरान के जब तक रिसाइटेशन चालू नहीं होता तब तक वो बेचारे कुछ करते ही नहीं, वो नजरे बद भी नहीं लगाते, वो इंतजार करते कि जब ये रिसाइट करना शुरू करे तो हम नजरे बद लगाएंगे। अब इतने अच्छे काफिर आएगा तो थोड़ा सा इनके मतलब जो अपना जो रिलेशन है नजरे बद का वो इसमें फिट बैठता नहीं है। हाँ तो अर्ज किया कि बाजों ने जो है इसको नजरबद नहीं माना, एक्सेप्ट नहीं किया बाद मुफस्सिर। हाँ हम ये बता रहे हैं कि क्यों लॉजिकल लॉजिकल फैलेसी आ रही है कि इसके अंदर ये चीज ठीक से आ नहीं रही। दूसरा जो मसला है इसी आयत के अंदर कि नेक्स्ट आयत के अंदर ये कहता है कुरान की ये जो है ये एक जिक्र है, ये याद दहानी है आलमीन के। तो ये जो जो फोकल पॉइंट है आपका ये कुरान है, क्योंकि उसी का एक्सप्लेनेशन जो है नेक्स्ट आयत में आ रहा है कि जब रसूल खुदा कुरान पढ़ते हैं तब ये काफिर अपनी निगाहों से कुछ करते हैं और ये तुमको कहते हैं कि तुम माजल्ला दीवाने हो, लेकिन कुरान जो है वो आलमीन के लिए मैसेज है। अब सोचिए अगर कुरान के ऊपर नजरबंद लगाने की कोशिश की जा रही है जो कि नजरबंद का इलाज ही कुरान है, तो ये भी आगा इतना बड़ा क्लेम अगर काफिर अपनी तरफ से करें, या हम अपनी तरफ से काफिरों के ऊपर इतना बड़ा तमगा देखिए कितने टैलेंटेड थे कि कुरान के ऊपर नजर लगाने की कोशिश करें, बिकॉज ये जो दोनों आयत का फोकल पॉइंट है आगा ये फोकल पॉइंट कुरान है, रसूल खुदा इतना ज्यादा फोकल पॉइंट नहीं है जो आयत का मफहूम है। लेकिन रसूल खुदा के को ये लोग कुछ करना चाह रहे थे अपनी नजर से, यहाँ तक की बात सही है, लेकिन इसके अंदर नजरबंद का जो एक्सप्लेनेशन आएगा पहली बात तो ये क्लियर बैठता नहीं। दूसरा अगर नजरबंद का जो कॉन्सेप्ट है, सॉरी आप कुछ बोल रहे हो, मैं खाली एक मिनट और लूंगा अपनी बात खत्म करने के लिए जी। दूसरा नजरबंद का जो कॉन्सेप्ट आएगा वो अमली है कि हम अमल आकर के बाकायदा प्लान करें कि यार एक काम करते हैं यार आज जाते हैं जरा डॉक्टर साहब की नजरबंद लगा के आते, कि ये आमदन नहीं होता ये हो जाता है। अगर आमदन है कि हम जा करके नजरबंद लगा करके आएंगे आगा, तो ये फिर काफी लोगों जो बात है वो समझ में आते कि लोग जा रहे थे और उसके फिर कोशिश करते कि लोग नजरबंद लगा करके आते। बाकी तो कॉन्सेप्ट आज भी फेमस है और जो आता है वो ये है कि भाई वो इंटेंशनली कुछ नहीं करते हैं भाई, क्योंकि देखते हैं इसलिए उनको लग जाता है। तो दोनों से उनको मिल जाएगा नजरबंद का जो कॉन्सेप्ट है वो इतना ज्यादा यहाँ पर चीज नहीं हो रही है। दैट डज नॉट मीन कि जो बाकी कोई दूसरा कॉन्सेप्ट होना जरूरी है, बट नजरबंद का बिल्कुल यहाँ पर फिट नहीं करता। अर्ज किया इसीलिए तीनों बातें अर्ज किया कि बास जो है यानी आपको गजब आलूद निगाह से, यानी आपको जिस वक्त आप कुरान पढ़ रहे हो उनको सख्त महसूस हो रहा है, या जो है बाद वो मरहला वो तीसरी तफसीर भी आपकी खिदमत में पेश किया। ठीक है।